अंदर का जो मूर्ति है ना वो पूरा ऐसे ही बना है। ऐसा मूर्ति देख कैसा लग रहा है ना कि श्री राम मतलब बहुत खुश है, और मतलब उनका जो चेहरा है ना वो हंसता हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो राम मंदिर एंटर करने के पहले ना ये उसके पहले का ये स्ट्रीट है। एग्जिट पे प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है जो मंदिर की तरफ से ही है, और जैसा कि इसमें आप देख भी सकते हो। तो मैं ना इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, मैं वीडियो को डायरेक्ट यहीं से शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू कर रहा हूँ मैं जौनपुर जंक्शन से। सो अभी इस वक्त मैं हूँ ना जौनपुर हूँ। जौनपुर इज़ वन ऑफ द सिटी इन यूपी, और ये मेरा वन ऑफ द होम टाउन भी है। दैट्स वाई ये रीज़न है यहाँ से जौनपुर वीडियो शुरू करने का। और दूसरा रीज़न ये है कि पिछले दिनों मैं एक वेडिंग अटेंड किया था, वेडिंग अटेंड करके अब मैं डायरेक्ट आ गया हूँ जौनपुर जंक्शन, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो। और ठीक डेढ़ घंटे बाद मेरी ट्रेन है यहाँ से, कहाँ के लिए, अयोध्या की, जैसे कि मैंने बताया। और डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस 156 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है 156 किलोमीटर्स। मैं बाय रोड भी जा सकता था, बाय ट्रेन भी जा सकता था। सो मैंने बाय ट्रेन ही जाने का प्लान किया। सो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी ट्रेन आने का वेट करता हूँ, ट्रेन पे बोर्ड करता हूँ और पहुँचता हूँ राम मंदिर के पास में। सो मैं ना अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा कज़िन भी जा रहा है। और मेरी ट्रेन जैसा कि मेरे पीछे आ चुकी है, और बस अब बोर्ड करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए एक बार, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भैया कहाँ चले अब बात। तो फाइनली मैं अयोध्या जंक्शन पहुंच चुका हूं, और स्टेशन को आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है अयोध्या जंक्शन। अब मेरा सबसे पहला काम होगा ना, स्टेशन के बाहर जाता हूं और राम मंदिर किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है वो देखता हूं, और डिस्टेंस भी कितना वो भी देखता हूं। ये अयोध्या स्टेशन का वेटिंग हॉल एरिया है, काफी बड़ा है। काफी बड़ा सा है और साफ सुथरा भी है, अच्छा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड, थम्स अप है। और अयोध्या स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। जो स्टेशन है ना वो भी एक्चुअली राम मंदिर के थीम में बनाया गया है, जैसा कि स्टेशन है वाराणसी स्टेशन, जैसा कि वो मंदिर के थीम में बनाया गया है, वैसे ही सेम अयोध्या जंक्शन भी मंदिर के थीम में ही बनाया गया है। किधर सो फाइनली हम एक होटल आ गए, ये होटल है होम स्टे। सो फाइनली यहाँ पे हम एक होम स्टे आ गए, और यहाँ से पता है राम मंदिर कितना दूर है, राम मंदिर बस कुछ ही मीटर दूर है। राम मंदिर कितना दूर है, 15 मिनट, मतलब मीटर्स में अगर डिस्टेंस में बोले तो 200 मीटर के आसपास में यहाँ से राम मंदिर है। और प्राइस डिपेंड करता है, ये क्योंकि जो प्राइस होता है ना वो डायनेमिक होता है, सीजन्स पे थोड़ा हाई हो जाता है। सो दैट्स वाई जो लोग कह रहे थे कि आफ्टर मतलब राम मंदिर के बाद अयोध्या मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बट इस बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ। डिपेंड करता है नॉट ओनली अयोध्या, दुनिया में जितने भी सारे टूरिस्टिक प्लेस है सारे सीजन वाइज वो एक्सपेंसिव होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। सो मैं जो ये होटल लिया हूँ ना, बाकी सारे टूरिस्टिक प्लेस जैसे यहाँ पे भी मैं लिया हूँ, वो भी मतलब बजट में, कितने में क्या है, होमस्टे का नाम क्या है, वो मैं सारा मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं अपना जो मेरा फॉर्मेलिटीज है उसको मैं पूरा करता हूँ और फटाफट चेक इन करता हूँ। सो ये मुझे की मिल गया, और रूम ना जो मुझे मिली है वो है 101, 101।
सो ये रूम ना कुछ ऐसा दिखता है। ये जो रूम है ना, मतलब ये एक तरह का होटल नहीं है, होमस्टे है। और यहाँ पे आके मैंने देखा ना, अयोध्या के आसपास में मतलब जितने भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो थी, दे कन्वर्टेड इनटू गेस्ट हाउस एज बिकॉज ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, जो भी आप कह सकते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन या उनके पहले होने के बाद। आई थिंक यहाँ के जितने जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट ऑफ देम वो गेस्ट हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों का हेल्प भी हो जाएगा, जो लोग नीडी पीपल है जिनको रूम्स चाहिए बजट में। हाँ, सो रात को इस गेस्ट में, गेस्ट हाउस में स्टे करने के बाद अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन के लिए। अभी सुबह का 10 बज रहा है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर के आसपास में है। और जैसे कि मैंने पूछा तो टाइम भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है, मतलब हाफ एन आवर या 40-45 मिनट में हमारा दर्शन भी हो जाएगा। और ये गेस्ट हाउस है वो जहाँ पर हम कल रात स्टे किए थे। प्राइस क्या है वो भी मैं बताता हूँ, काफ़ी रीज़नेबल है और बजट में भी है। तो जो प्राइस है वो है 1500 1500 में मैंने ये रूम बुक की, और रूम काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं बोलूँगा बट हाँ ठीक है, बजट में है और हमारे जैसे बैकपैकर्स के लिए ठीक ठाक है। क्लीन था, वॉशरूम क्लीन था, रूम क्लीन था, बाकी बस यही तो चाहिए, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वही तो चाहिए। और बाकी यहाँ से अब मैं वॉक करके ही जाऊँगा राम मंदिर में। और राम मंदिर में ना ये जो कैमरा और मोबाइल है वो अलाउ नहीं है, तो उसे कुछ मीटर पहले ही हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मेरा काम है ना, यहाँ पर मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो राम मंदिर एंटर करने के पहले ना, ये उसके पहले का ये स्ट्रीट है, काफी लाइव है और क्राउड भी है। तो राम मंदिर एंटर करने के पहले ना आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ये कुछ रास्ता ऐसा जाता है। और चूंकि अंदर ना कैमरा और मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर कोई वीडियो नहीं कर पाऊंगा, बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा, मैं सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना मैं बाहर ही कोशिश करूँगा। और हम जहाँ पे गेस्ट हाउस लिए थे ना, वहाँ से ही हम बाई वॉक ही यहाँ पे आए। और बाकी हमारा जो एक प्लेस है जहाँ पे हम एक लॉकर मिलेगा, जहाँ पे हम अपना कैमरा और मोबाइल दोनों सबमिट कर देंगे। और बाकी ये है कुछ यहाँ का दृश्य।
बाबा यहीं के पास में होता है। तो यहाँ पे ना एक फ्री सर्विस है, सूरेक्स है, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन है लॉकर में अपना जो सामान है ना, मोबाइल और कैमरा, यहाँ पे आपको डिपॉजिट कर देना होगा, क्योंकि मोबाइल और जो कैमरा है ना, वो आप मंदिर में नहीं ले आ सकते। तो दैट्स व्हाई ये जो लाइन है यहाँ पे लगाएंगे। मंदिर में ना दर्शन हो जाता है। एग्जिट पे प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, जो मंदिर की तरफ से ही है, और जैसा कि इस पर आप देख भी सकते हो, श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रसाद। तो फाइनली मेरा ना राम मंदिर में दर्शन हो जाता है, और ऐसा मूर्ति देख कैसा लग रहा है ना कि श्री राम मतलब बहुत खुश है, और मतलब उनका जो चेहरा है ना, वो हंसता हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर वैसे अभी ना इनकम्प्लीट है, और बट जो इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग और हेरिटेज का कमाल का कॉम्बो पैक है, काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग है। और मुझे ना यहाँ से थोड़ा मिट्टी ले जाना था, थोड़ा सा मिट्टी यहाँ से ले जा पाऊँ। तो यहाँ मिट्टी थोड़ा सा उठा सकते हैं क्या? ले जाइए ले जाइए। मतलब ये वही परिसर का ही है ना मिट्टी? हाँ, परिसर का, परिसर का ही है। दे दो भैया। अंदर का जो मूर्ति है ना, वो पूरा ऐसे ही बना है, जिसको बनाया है कौन से कलाकार का नाम क्या है, योगी राज ऐसा कुछ नाम है, अरुण योगी राज, अरुण योगी राज। जो अंदर का जो मूर्ति है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। सो मैं यहाँ पे एक सुविनियर के तौर पे यहाँ पे घर पे ले जा रहा हूँ यहाँ से। मंदिर का दर्शन है पूरा हो जाता है, अब मैं वापस अयोध्या स्टेशन आ जाता हूँ, स्टेशन के बिल्कुल पास में जैसे कि मैंने बताया, और फटाफट मैं अपना ट्रेन पे बोर्ड करता हूँ और जाता हूँ अपने होम टाउन।